पार्टी चल रही है। थैंक यू मुस्कान बताशो के लिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी वॉक का है तीसरा दिन। जैसे मैंने बोला था कि मैं 10 दिन प्रॉपर वॉक पे जाऊंगी, तो हम निकल चुके हैं। और आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा हो गया है लेट। अभी काम वाली आंटी मेरे को रास्ते में मिली, तो आज हम सोसाइटी में ही वॉक करेंगे और ट्राई करेंगे जितना हो सके ज़्यादा डिस्टेंस आज हम कवर कर पाएँ। तो आते थे सुबह वॉक करने, इस एरिया में करते थे और कुछ इस एरिया में करते थे, तो अभी कोई दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि ठंड के वजह से शायद थोड़ा सा सब रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ मोटिवेटिंग सॉन्ग लगा लेते हैं और फास्ट वॉक करते हैं आज। सो 30 मिनट में अराउंड 2.6 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं और 550 कैलोरीज लॉस कर ली हैं। पर इशू ये हुआ है कि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और बहुत अच्छा डिसीज़न था कि आज मैं बाहर नहीं गई वॉक करने, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैं लंबा जाऊंगी, और अगर कहीं लंबा जाती तो मैं पक्का भीग जाती और बीमार पड़ जाती हैं। तो फिलहाल जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक सोसाइटी में ही वॉक करते हैं। तो कल हो गया था मुझे लेट घर पहुंचने में, तो आज मैं टाइम से पहुंचूंगी, 8 बजे पहुँच जाऊँगी, क्योंकि इनको लेट हो जाता है फिर हमारी सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। है बैडमिंटन मैच, सब लोग लगे हुए हैं खेलने में। हमें आज ज्वाइन करना था बट हम हो गए थे थोड़ा लेट। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम इन लोगों को ज्वाइन कर पाएँ। तो सब लोग बच्चे सारे जा चुके हैं स्कूल, पंडित जी लगे हुए हैं कुछ पूजा की तैयारी वगैरह में, या हो सकता है कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हों। बाकी भी सब आ गए हैं, सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित हो रहा है। चलते हैं वापस घर। तो मेरे पास 5-7 मिनट हैं, अब मैं प्रॉपर बढ़िया सा कोई ट्रैक लगाती हूँ और थोड़ी सी फास्ट रनिंग करती हूँ। जितना हो सकता है इस 5-7 मिनट में कवर कर लूँगी, अदरवाइज़ कल के लिए या शाम के लिए छोड़ दूँगी। तो हमने कुछ 50 मिनट में 4 किलोमीटर कवर किए हैं, कुछ 6,500 स्टेप हो गए हैं, 600 कैलोरी लॉस कर ली है। आज ज़्यादा समय था नहीं पर फिर भी अच्छा रहा, मतलब मैंने 4 किलोमीटर आज कवर किया है कम टाइम में। तो अभी जा रहे हैं घर। तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, जैकेट मैंने उतार दी क्योंकि आज मैंने करी थी रनिंग और कल भी मैं ट्राई करूंगी कि रनिंग करूं। रनिंग करने से मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती हूँ, ज़्यादा कैलोरीज भी लॉस हो सकती है, कम टाइम में मैं ज़्यादा वर्कआउट कर सकती हूँ। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पूरी बॉडी इस समय हीट अप हो रखी है। तो वॉक करके आए थे तो लग गई थी काफ़ी तेज़ भूख, क्योंकि मैंने कल रात में अराउंड 6:30 बजे अपना डिनर कर लिया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं था। अभी नहाने जाऊंगी नहीं क्योंकि रनिंग करके आई हूँ, तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाए तब तक थोड़ा सा गर्म पानी ले लेते हैं और अपने ड्राई फ्रूट्स। 5-7 मिनट बाद मैं नहाने जाऊंगी। पास बैठ करके गोदी में ही पूजा करनी है, अलग हटके नहीं करनी है। दिखाइए पोंगा पंडित, देखे अरे वाह, चंदन वंदन लगा लिए हैं, नहाए नहीं है पर पूजा हो गई है शिवाय की। तो ये बन रहा है हमारा पास्ता, तो नाश्ते में पास्ता है, इसके साथ ब्राउन ब्रेड, ये रही पतिदेव की चाय और इधर बन रही है हमारी ग्रीन टी। जब तक ये खाओ पास्ता ला रहे हैं। तो ये रहा हमारा नाश्ता और ये रहा शिवाय का नाश्ता। तो दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी अपना लेकर के आ रही हूँ। पापा जा रहे हैं ऑफिस। बाय, सी यू इन इवनिंग। लो ओ ओ भाग के आ रहा है ना। अच्छा इसलिए आ रहा है, तुमसे चाय भी लेने आया है। तो आज मैंने अपना बेडरूम कर दिया है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। घर आने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने फुल सेटअप कर दिया है। और ये वाला प्लांटर मैं लाई थी मिस्टर DIY से, तो आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे बेड से मैच कर रहा था ब्राउन एंड ब्राउन। तो मुझे तो वैसे भी प्लांट्स काफ़ी पसंद हैं, तो मैंने अपने बेडरूम में भी चारों तरफ प्लांट लगाए हुए हैं, और स्नेक प्लांट बेडरूम में होने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। कलर और शिवाय का ड्रेस का कलर एकदम येलो येलो कैसा लग रहा है शिवाय? कौन सा कलर है? येलो। कौन सा कलर है? येलो। हाय।
हाय उनको बहुत मजा आ रहा है खेलने में लगे हुए। अरे बस बस इससे उधर मत जाना, इसीलिए मैंने ये लगा रखा है ताकि ये उधर गिरे मत। और ये है हमारी ड्राई फ्रूट म्यूसली, क्योंकि ये है नहीं तो टेंशन लेनी नहीं है खाने की, बस दूध डाल देंगे और अपना बढ़िया सा लंच रेडी है। पापा कहाँ गए? ऑफिस। कहाँ गए? ऑफिस। पापा गए ऑफिस, अब इनको सुलाने लेकर आए हैं और 2 बज रहा है तो सो लेंगे, तो थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएंगे, फिर शाम को पार्क भी जाना है ना। शिवाय बैट लेके सो रहे हैं, चलिए सो जाइए। व्हाट? नो स्लीप। स्लीप, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज। बैट लेके सो। शाम की चाय लेमन टी स्पेशल। आज छुट्टी थी तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, किन लो। ये क्या है? अबे मिठाई भैया, इतनी मिठाई है घर में इस समय, मिठाई मिठाई मैं हो रखा है घर। तो तुम्हारे लिए मैं क्या लेता हूं? उनके लिए भी कुछ होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। वो भी मांग रहे हैं, मौसी मेरे लिए क्या लाई? शिवाय के लिए चॉकलेट। वाह, खुशी देख लो। इनके जीजू की फेवरेट है, जीजू का फेवरेट लाई। मुझे तो छेने के रसगुल्ले पसंद है, मेरे लिए छेने के रसगुल्ले लाना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, दामाद जी के साथ। सही है बेटा, करता है प्लेन। ओ ऐसे करता है प्लेन। मौसी बना देगी प्लेन, ले आओ मौसी को दे दो। कोने में क्या खा रहे हो बेटा? क्या खा रहे हो गुग्गी? ये क्या है? बताशे। क्या है? ब है, बताशे। चुपचाप कोने में बैठ के अपनी गाड़ी पे खा रहे हैं। पार्टी चल रही है, थैंक यू मुस्कान बताशो के लिए। शिवाय भी लगे हुए हैं, एंजॉय करते हैं। ये कहाँ से? ये मेरे सोसाइटी के नीचे वाले से लिया था क्या? हाँ। उससे बताशे अच्छे रहते हैं। शिवांगी देखेगी, उसको मजे आएंगे, उसको भी बहुत पसंद है। कटोरी में और ये चटकारे लेके खा रहे हैं। हल्का सा डुबो करके ये इधर दिखाओ। मौसी और शिवाय। मौसी आई हुई है घर, इसीलिए हम निकल चुके हैं छोटी सी वॉक पे। काफ़ी मन था इवनिंग वॉक पे जाने का, बट ड्यू टू सम रीज़न जा ही नहीं पा रहे थे। आज मौका मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते हैं। तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है चलते हैं। गोल्फ के एकदम सामने है ये जय श्री राम नर्सरी, और जैसा आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होगे, मैंने काफ़ी नर्सरी को विज़िट किया हुआ है। तो मैंने ये आज नई नर्सरी ढूँढी है, और क्योंकि मैं रास्ते से निकलती थी और ये घर के थोड़ा सा दूर था तो पैदल आ नहीं पा रही थी, और सुबह ये लगाते नहीं, इसलिए मैं शाम को आ जाई हूँ। और इनके सुंदर प्लांटर्स हैं इनके पास, तो मैंने उठाया है एक जीजी। कहाँ गए भैया? तो ये हमारे जीजी को रिपोर्ट कर रहे हैं। बात कुछ ना, मतलब ब्लॉगिंग। तो इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ना ये जो मैं मिस्टर DIY से जो 2 प्लांटर्स लेकर आई थी, उसी में अपना जीजी प्लांट लगवा रही हूँ। और इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। वाह, इतने बढ़िया स्नेक प्लांट मुझे इतने दिनों बाद दिखे। भैया की ड्यूटी है और ये वाले भैया लगा नहीं पा रहे क्योंकि एक्सिस बैंक में काम करते हैं, तो इनको इसका आइडिया है नहीं, और ये यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, तो इनको पता है कि प्लांट को कैसे लगाना है। तो इन्होंने खाद का पैकेट खोला हुआ है, भैया कह रहे थे कि मैडम खाद में ही लगवाइए तो ये अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, है ना भैया? तो हम खाद में लगवा रहे हैं। अच्छा से लगाइएगा, सूखना नहीं चाहिए ना। मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, मेरा जीजी खराब हो गया था। जीजी प्लांट में पानी कम था। हाँ, पानी 15 दिन में एक बार ना। हाँ, ज्यादा भी सूखना नहीं चाहिए क्योंकि ये रेड मिट्टी वाले प्लांट है, इसमें ज्यादा सूख जाए ना पत्तियां गल जाती हैं। आपको बताएंगे कुछ खाद के बारे में कि कौन सी खाद बेटर रहती है प्लांट्स के लिए, है ना भैया? बताइए। देखो ये वर्मी कम्पोस्ट है। हाँ,
ये 50 रुपए की है, पौधे में डालो मिट्टी मिट्टी में मिक्स करने के लिए बेटर रहती है। अच्छा और अच्छा ये 100 रुपए की है। हाँ इसलिए भूमि पर जिसमें कोकोपेट बोन मील सब मिक्स होता है। अच्छा और एक ये नीम खली है केवल, मतलब हाँ। पौधे पौधे में कीड़े वीड़े लगे या फूल वूल ना लगे। हाँ हाँ तो उसमें यूज की जाती है। अच्छा और एक ये है कारगिल वाला, इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम फर्टिलाइजर हाँ। नीम खली मेलाथिन सब मिक्स होता है। अच्छा ये पौधों में हल्की हल्की डलती है, मतलब पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए, कोई भी पौधा किसी गमले वमले में नहीं चल रहा हो हाँ हाँ। खराब हो जाता हो कोई भी पौधा लगाओ उसमें हाँ। ये यूज करो हाँ। तीन कम एक महीने में, ये 3 महीने में एक बार डलती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इनमें से कोई ऐसी खाद है जिसको मतलब मतलब आप डाल दीजिए पौधे में ज्यादा, सिर्फ थोड़ा सा वो खाद डाल दीजिए तो काम चल जाए, मतलब ऑलराउंडर खाद कह लीजिए कोई है? बेस्ट यही है हाँ। क्योंकि इसमें सब मिक्स होता है, इसके लिए आपको नीम खली अलग लो या वर्मी कंपोस्ट अलग लो, इसमें कुछ भी अलग लेने की जरूरत नहीं है, ये इसमें ऑलरेडी सब मिक्स होता है। अच्छा हल्का हल्का पौधे में डाल दो, बाकी जो आपको वर्मी कंपोस्ट है वो महीने पे डालना पड़ेगा। अच्छा लेकिन ये ऐसा खाद है इसको आप 3 महीने में एक ही बार यूज कर सकते हैं। इसका क्या प्राइस है? ये 160 का है। 160 का है। अच्छा बाकी जो नीम खली है वो 120 रुपए की है, वर्मी कंपोस्ट 50 वाला पर ये सबसे बेस्ट है। हाँ ये सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट वो आप सभी मिक्स करके डालोगी ये हाँ। एक ही उतना काम कर देगी जितना वो तीनों करेगी। अच्छा ठीक है तो ये रामबाड़ है। हाँ, ये रामबाड़ करेक्ट है। और इस नर्सरी का नाम है जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। तो ये हमारी जय श्री राम के नाम से नर्सरी है और मुझे इनका नाम बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे भैया? सेक्टर 79 एलाइफ गोल्ड गोल्फ सिटी के एकदम सामने है ये। तो ये मैंने आज नई नर्सरी ढूंढी है, तो हम नेक्स्ट टाइम भी यहाँ आएंगे। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही गया, हमारे थोड़े बहुत घर के काम थे जो कि पेंडिंग थे और वही मेरा और समेटना था, सामान इधर उधर रखना, ये वो, तो सारा दिन मेरा इसी में गया है। और आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।